आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। वहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई। भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार अक्षरा सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर MMS की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। इस MMS को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। यहां तक कि इस MMS को लेकर अक्षरा सिंह का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में अक्षरा सिंह फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है। वीडियो में अक्षरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हैं कि हमें बदनाम मत करो। जानिए अक्षरा सिंह के इस MMS वीडियो का पूरा सच क्या है, लेकिन उससे पहले आप अक्षरा सिंह के इस वीडियो को देखें। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। कहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई। कैसे चल रही है, ऊपर कैसे हो जा रही है, पूरा टीम बैठा के एक गेम करो। क्यों आप में दम नहीं है क्या, आप में दम नहीं है क्या सामने आने की? ये सारे लोग ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है, बुजदिल लोग कर सकते हैं। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और आप लोग भी जानते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूं मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं, और समझना भी नहीं। बीते दिनों ऐसी खबरें आई कि अंजलि अरोड़ा के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का MMS लीक हो गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर ऐसे छाई कि हर कोई इस MMS की चर्चा कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर MMS लीक की खबरों के साथ साथ अक्षरा सिंह का एक रोते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को लेकर ये कहा गया कि अक्षरा MMS लीक होने के बाद परेशान हो रही हैं और रो रही हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही अक्षरा का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ तो हर तरफ लीक MMS की चर्चा तेज हो गई। लेकिन सच ये है कि अक्षरा सिंह का कोई प्राइवेट वीडियो लीक नहीं हुआ है। अक्षरा का रोने वाला वीडियो 2 साल पुराना है। इसे यूट्यूब पर मोज म्यूजिक भोजपुरी नाम के एक चैनल पर शेयर किया गया है। इसे शेयर करते हुए लिखा गया है कि अक्षरा सिंह का MMS वीडियो वायरल हुआ। इस रोने वाले वायरल वीडियो में भोजपुरी एक्ट्रेस हाथ जोड़े नजर आ रही है और बुरी तरह से रो रही है। वीडियो में अक्षरा सिंह कह रही हैं, मुझे परेशान करके रख दिया है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे हमेशा ही पसंद करेंगे, फिर चाहे मैं कहीं भी जाऊं और कोई भी काम क्यों ना करूं। आप बड़ा नाम है तो अपना काम कीजिए, चेहरे पर नकली मुखौटा लगाकर क्यों घूम रहे हैं? ये गंदगी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों है? सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। यानी वायरल हो रहे MMS का संबंध किसी भी तरह से अक्षरा सिंह से नहीं है और उनकी रोने वाले उस वीडियो को भी गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है, जबकि ये वीडियो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के जारी किया था और ये वीडियो 2 साल पहले का है।